हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज। मैं बात कर रही हूं सलमान खान की, जिनको मिली है एक बहुत बड़ी धमकी। जी हां, दबंग खान जो दबंग 3 की प्रमोशन, राधे की शूटिंग और बिग बॉस के वीकेंड के बाहर की शूटिंग में लगातार व्यस्त हैं। वो बताते आ रहे हैं कि कितना व्यस्त उनका शेड्यूल चल रहा है। उसके बीच में आई है एक ऐसी खबर जो बहुत परेशान कर देने वाली है सलमान खान को, उनके परिवार वालों को और उनके फैंस को। सलमान खान के लिए एक धमकी आई, पुलिस को मिला एक ईमेल। पूरा मामला अगर मैं आपको बताऊं तो पुलिस को एक ईमेल मिला कि सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट का जो घर है उसमें वो बम ब्लास्ट होने वाला है। पुलिस आनन फानन में बॉम्ब स्क्वाड लेकर के पहुंची गैलेक्सी अपार्टमेंट में। सलमान खान ने घर पूरे घर को खाली करवाया गया। उस समय सलमान खान घर पर नहीं थे, सलीम खान साहब उनकी पत्नी और अर्पिता घर पर थे। उन्हें खाली करवाया, घर खाली करवाया गया, उन्हें बताया गया माजरा क्या है और घर खाली करवा के पूरा तलाशी ली गई, पर ऐसा कुछ भी कहीं नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने तलाश की कि आखिर ये ईमेल कहाँ से आया था। मैं आपको पहले बताऊं कि उस ईमेल में लिखा क्या था। उस ईमेल में लिखा था कि बांद्रा में गैलेक्सी सलमान खान के घर के अंदर 2 घंटे में ब्लास्ट होगा, रोक सकते हो तो रोक लो। आप सोच लीजिए कितना कैसी लाइन्स हैं ये, जिसे सुनकर पुलिस का हरकत में आना लाजमी है। पुलिस हरकत में आई और बिल्डिंग के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, उनके घर की ही नहीं बिल्डिंग की आसपास के इलाके की चप्पे चप्पे की तलाशी ली और घर को बाहर खाली करके उन लोगों को बाहर निकाल के तलाशी ली। उसके बाद तलाशी के बाद ही सभी को घर के अंदर जाने दिया। बाद में पुलिस ने जांच की कि आखिर ये मेल आया कहाँ से। तो ये मेल आया था गाज़ियाबाद से और वहाँ के 16 साल के एक लड़के ने मेल भेजा था। और लड़के को पकड़ने के लिए जब पुलिस ने गाज़ियाबाद में टीम भेजी तो लड़का बचने के लिए 30,000 कोर्ट में जाकर छुप गया। और बाद में बड़े भाई के मनाने के बाद वो घर पर आया और बांद्रा में पुलिस ने उसे नोटिस जारी कर दिया है हाजिर होने के लिए। मगर पहले भी ऐसा बहुत बार नोटिस मिल चुकी है, इस तरह की पहले बार बहुत बार ऐसी धमकी मिल चुकी है सलमान खान को भी और अन्य स्टार्स को भी। अभी 16 साल का बच्चा एक बच्चा है जिसने मस्ती में मजाक में इस तरह की का प्रैंक किया, मगर इन लोगों को ये कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं चल पाते कि आखिर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ लोग दहशत में जाते हैं तो सिक्योरिटी जो सुरक्षा संभाल रहे लोग उन पर कितना बड़ा प्रेशर होता है, और बाद में कभी अगर असल में कोई धमकी मिले तो लोग उसे सीरियस नहीं ले पाते। तो ये कभी देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और इसलिए पुलिस को हर छोटी से छोटी धमकी पर भी तवज्जो देनी पड़ती है। और जाकर के उन्होंने सलमान खान के लिए जब ये धमकी मिली तो जाकर उन्होंने पूरी तलाशी की और सब कुछ शुक्र था, कुछ ऐसा हुआ नहीं। आप क्या सोचते हैं कि ऐसे बच्चों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो प्रैंक के लिए लोगों को परेशान करते हैं, और सलमान खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तब तक के लिए